समझा करो सुलोचना, समझा करो। अरे जिसके साथ हमारी अर्चना को घर बसाना है वो लड़का तो अच्छा है, बस हमें और क्या चाहिए। मैं अगर तुम्हें सच्चाई बता भी देता तो तुम तनाव में आकर ये शादी तोड़ देती, उससे हमारी अर्चना का ही नुकसान होता। ऊपर से बदनामी होती उसको अलग। दो दिन की बदनामी के डर से आपने अपनी बेटी की पूरी जिंदगी तबाह कर देने की सोची कैसे? वो उस घर में कभी सुखी नहीं रहेगी। अरे सुखी रहना तो दूर, उसको एक अच्छी जिंदगी भी नहीं मिलेगी। मुझे मानव के गरीबी से तकलीफ नहीं है, उसके परिवार वालों से तकलीफ है। कम पैसे में हमने भी गुजारा किया है, लेकिन हमारी सोच हमारी समझ हमेशा अच्छी रही है। भले ही हमने अपने बच्चों को महंगे कपड़े महंगे खिलौने नहीं दिए, लेकिन अच्छी राह पर चलना सिखाया उन्हें। और ये लोग तो कैसी रहेगी अर्चु उस ससुर के साथ जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता हो? और क्या बीतेगी उस पर जब उसके मवाली देवर को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? आपने कभी सोचा है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। बोल विनोद, भेज दो तुम्हारी बहन को उस घर। तुमने सुना ना सब, क्या तुम अब भी राजी हो इस बात के लिए? बोल ना विनोद। तू क्या ये सब सुनने के बाद भी मैं अर्चु को उस घर भेजू? तू तैयार है इस बात के लिए? तो वर्षा तू बेटा, तू तो पढ़ी लिखी है, तुमने तो दुनिया देखी, फिर भी तू चाहेगी कि अर्चु उस घर में जाए? बता। और मंजू, मंजू तू बता, लेकिन तू तो पहले ही वहां जा चुकी थी, तुझे कुछ नहीं पता चला? बता ना मंजू। मैं उन लोगों ने मुझे भी धोखे में रखा। उस दिन जब मैं उनके घर गई तो एक ऐसा माहौल तैयार किया उन लोगों ने कि मैं भी भाई मेरा यकीन मानिए, जिस तरह ये सब कुछ सुनना और देखना आपके लिए नया है, उसी तरह मेरे लिए भी नया है। सुना आपने? और क्या आप अब भी चाहते हैं कि उन घटिया लोगों के पास मैं अर्चना को भेजूं? आप लोग शायद अर्चना का भविष्य समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। मैं दिखा देती हूँ। अरे अगर कल मानव के बाबा चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं ना, तो हमारी अर्चना को उसे छुड़ाने के लिए जेल जाना होगा। अरे आप लोगों ने अभी तक जेल देखी है, लेकिन मानव को तो आदत होगी, वो जाता होगा कभी अपने बाप को छुड़ाने के लिए, कभी अपने भाई को छुड़ाने के लिए। और कभी अगर बाजार में एक पागल औरत बदतमीजी से बात करती हुई दिखाई देना, तो तुम्हें ये मानना होगा कि वो तुम्हारी बड़ी बहन की सास है। और वो गुंडा मवाली सचिन रास्ते में जाती हुई लड़कियों के साथ छेड़खानी करता हुआ पकड़ा गया, तो तुम लोगों को ये मानना होगा कि वो तुम्हारी बहन का देवर है। इसलिए मैं कह रही थी कि लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छे घर का हो, क्योंकि घराना संस्कार देता है और शिक्षा जीने का तौर तरीका सिखाती है। सुन, देखो क्या बोल रही है तेरे और तेरे घर वालों के बारे में। हाँ हाँ, देखो तो जरा, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, लड़की की माँ और इतनी अकड़। अरे तेरी सास पुश्तों का उद्धार कर रही है वो, कभी कहती है पति शराबी, कभी कहती है पेटामो वाली। अरे भला ये भी कोई बात हुई? इतनी चुप क्यों है? वहाँ चौल में तो बहुत बड़ा रुआब झाड़ती फिरती है सब पे। अब क्या हुआ? तू छोड़ ना, मुझे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। सुनना पड़ेगा। अभी तक आपने सुना या हमने चुपचाप सुन लिया, अभी मैं बोलूंगी आप सुनेगी। और ये मत समझना
मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ या किसी चीज की सफाई देने आई हूँ? मैं मेरी बहू को लेके जाने के लिए आई हूँ। देखिए ए भाई, देखना सुनना कुछ नहीं, ध्यान में रख। तेरी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी हुई है, हजारों लोगों के सामने उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाई है, ये मेरी बहू है। मैं अर्चू को आपके साथ नहीं भेजूंगी। ये रक्षा भी भेजेगा। तू कौन होती है? मैं इसकी माँ हूँ। तूने तेरी मनमानी कर ली ना, अब ये मेरी बहू है, जो फैसला लेना है वो मैं लूंगी। हाय, प्लीज मेरी बात सुनो, शांति से बात। शांति गई तेल लगाने। हम सुनते हैं ये सर पे डांस करने लगी। देख यहाँ से बारात निकलेगी, वो भी बहू को साथ लेके निकलेगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तू मेरे से मत उलझ। तेरी प्रॉब्लम क्या है बता ना? तेरा पति भी तो जानता था हमारे बारे में सब कुछ, फिर हम कहाँ झूठे हैं? फिर तू क्यों इतने नखरे करती है? दादा प्लीज आप बीच में मत बोलना। आप बहुत सीधे हैं, लेकिन ये टेढ़ी औरत के लिए मेरे जैसे ही औरत चाहिए। अरे अनाप शनाप बकती है, बेइज्जत करती है। बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मुझसे सच्चाई छुपाई, लेकिन वो सच्चाई सिर्फ मानव के बारे में थी। वैसे भी अब तो जाएगी अपने राजा के घर, वो घर जो तुम्हारे इंतजार में सज धज के बैठा है। ताई तीते जाइल, माँ पोलांडेल, और फिर होगा उसका गृह प्रवेश। मैं बहुत खुश हूँ ताई। आई कितना मजा आएगा ना आई। विनोद पूछ इनसे, क्यों किया इन्होंने ऐसा? मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, मेरा विश्वास इनका ये सिला दिया इन्होंने। पूछना इनसे, पूछ इनसे। आई, तू? नहीं, मुझे आज बोलने दो विनोद। अगर आज मैं नहीं बोली ना तो मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी मैं। बचपन से तू देख रहा है विनोद, और तू ही नहीं घर के सब लोग देख रहे हैं कि रोज सुबह उठकर मैं इस मंदिर के सामने खड़ी होकर इनकी पूजा करती आई हूँ। कम हाथ से नहीं हुए हमारे घर में, फिर भी इनका मंदिर हमेशा दियों से, फूलों से सजता आया है। अस्थमा से मेरी जान जा रही थी, फिर भी नंगे पांव में इनके दर्शन गई हूँ। दिन रात इनके नाम का जप करती थी। और बदले में क्या चाहा मैंने? क्या चाहा? सिर्फ मेरी अर्चू का सुख। मेरी अर्चू का रिश्ता तो 7 पल तक भी नहीं चला।
आज उसकी शादी हुई और आज मेरी बच्ची मंडप से वापस उल्टा गृह प्रवेश हुआ इसका, और ये यहां बैठे बस देखते रहे। नहीं, अगर इन्हें अपने भक्तों की चिंता नहीं है तो मैं भी इन्हें भगवान मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आज से मैं इनकी पूजा नहीं करूंगी। संकष्टि है ना, आज मैं इनके दर्शन करने नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बरसों पहले मैंने इनसे नाता जोड़ा था, आज मैं ये नाता तोड़ देती हूं। बेटा ये नथ है, मेरी आई ने मुझे दी थी और उन्हें उनकी आई ने। जब तेरी बेटी की शादी होगी ना तो तू उसे देना। सुलोचना, अर्जुन की शादी हो चुकी है। अरे तो आता अपना जावा ही है। नहीं नहीं मानती। अरे हमारे मानने ना मानने से क्या होता है। अरे इन्होंने तो भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। भगवान भी आज मुझे माफ कर देंगे, इसने मुझे झूठ बोला है। नहीं, इसने कोई झूठ नहीं बोला है सुलोचना, ना ही किसी को धोखा दिया। मैं जानता था ये मैकेनिक है। अभी तो हो चुकी है सुलोचना दाई, अभी पवित्र रिश्ता अटूट बंधन से बन चुका है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं वेगवर्णं शुभांगं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वात साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भी नहीं ये लोग को, ये शर्म। कोई नहीं है घर में। मैं हूं आई। ओ
बदतमीज। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी गंदी हरकतें करते हुए? अरे कहां से सीखा तुमने ये सब? तेरे भाई को तो ये संस्कार नहीं है। नहीं काका, मर गया तेरा काका। अब कोई रिश्ता नहीं है तेरा मेरा। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने मेरे मानव की। अरे नालायक, तुझे पता भी है तूने और तेरे बाप ने क्या किया? सारा का सारा घर उसका दुश्मन बना हुआ है। शराब पीता है, कोई आवारगी करते फिरता है, कोई झूठ बोलता है और सहना इस बेचारे को पड़ता है। देख ये तेरा भाई आज तक इसने जिंदगी भर जो कुछ भी किया है सिर्फ घर के लिए किया है, और आज इसी घर ने उसके झोली में जिंदगी भर के दुख डाल दिए। कब जाने दो प्लीज। कैसे जाने दूं मानो? अरे मैं नहीं चुप रह सकता तेरी तरह। क्या तू नहीं चाहता था अर्चना शादी करके इस घर में? मैं ना चाहता हूँ कि वो इस घर में है, लेकिन काका हम जो भी चीज चाहते हैं जरूरी तो नहीं कि वो हमें मिल जाए। वैसे भी आज देखे तो सारी गलती मेरी थी काका। अगर मैं सच में इंजीनियर होता तो शायद ये जिसकी गलती मेरी है तो फिर सजा इन लोगों को क्यों दे? चश्मा, तेरे हाथों की मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं है और तू काम पे लग गई। और जो बेटा कल तेरी शादी है। आई, लेकिन मैं काम नहीं कर रही थी, मैं तो रसोई के हर कोने से अपनी यादें बटोर रही थी। दादा आपकी ब्लैक टी। वर्षु वैशाली, मैं भी तुम लोगों का टिफिन लेके आती हूँ। ये लो। वहां मेरा नया घर होगा। वहां नए घर में जाके नए लोगों के बीच मेरी यही यादें तो मेरा साथ देंगी ना। लोगों से मेरा दिन शुरू होता है और आप ही पर आके खत्म होता है। बाबा की कम शक्कर वाली चाय, वर्षु वैशाली का टिफिन, दादा की ब्लैक कॉफी, उन्हीं का स्कूल, और फिर मेरा थक जाने पर तुम्हारा आकर मेरे बाल सहलाना। अरे कहां जा रही हो जजमान? पहले आरती तो पूरी करो फिर जाओ। ऑटो ऑटो भाई साहब, जूनी डोंबिवली
नहीं भाई साहब नहीं, एक तो वहाँ का रास्ता कितना खराब है, ऊपर से ये बारिश, ये बंद नहीं होगी। भाई साहब प्लीज देखिए, डबल पैसे ले लेना, मेरी मिसेस खड़ी है, प्लीज। अच्छा ठीक है, बुला लो बुला लो। थैंक यू बॉस। जी मैंने ऑटो रुकवाया है, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। नहीं मैं, देखिए बारिश बहुत हो रही है, मुझे नहीं लगता कि एक बार रोड पर पानी भर जाए तो आप घर जा पाएंगे। अभी जैसे तैसे मैंने ऑटो रुकवाया है, प्लीज। कितनी बिजनेस तू? एक मिनट। ताई, ताई तू चल मेरे साथ, बैठे दे। एक मिनट। बालों में इतनी देर तक पानी रहेगा तो सर्दी लग जाएगी। अरे आ गई तू? मैं वही सोच रही थी कि इतने बारिश में कैसे। अच्छा चल जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने खाना बनाया है। अर्जू आना बेटा। और एकदम से आराम से खाना खाना। सावका जी हो बड़ा, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया, बताया आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया। आई तूने भी तो कल से कुछ नहीं खाया ना। अरे तो क्या हुआ? मैं अरे चल तू यहाँ बैठ। अर्जू बैठ बैठ यहाँ। आई आलू की सब्जी टेस्ट करना, इतनी टेस्टी बनी है ना आई। आंटी कितनी छान वाले आई। आई आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे हाथ की बनी आंटी। नहीं होता मुझसे ये अब, ये झूठ मूठ का हंसना बोलना नहीं होता। अर्जू के साथ जो कुछ हुआ मुझसे नहीं देखा जाता।
हमारी पुन्नी कह रही है जब तक सब लोग खाना नहीं खाएंगे वो भी नहीं खाएगी। पुन्नी आज हम सब साथ में खाना खाएंगे है ना आई? और फिर आत्या भी खाएगी। और अच्छी भी खाएगी। मैं सबको बुला के लाती हूँ। रुक बैठ खाना खा ले। क्यों चलो तुम लोग भी खाना खाओ। क्या देख रहे हैं बाहर? आई पापा नहीं आए अभी तक। कहाँ होगा? या उसका नाटक चालू होगा या फिर उसकी टंकी फुल नहीं हुई होगी। आई देख मानो मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे बाबा के बारे में बोलती तो हमेशा मुझे टोकता है। लेकिन उसकी करतूत ही ऐसी है, उसकी दारू की वजह से तेरी शादी का सत्यानाश हो गया। अभी वो दिन अपनी जेब में दारू की बोतल रखने का कोई सवाल था? नहीं रखी तो रखी, लेकिन उसकी बेकाव में आके उसने वो दारू भी पी ली उधर। उसके किसके? अरे वो तेरी भी, वो अर्चना है ना, उसका भाई विनोद, उसका साला अजीत, उसने उसे पिलाई। आपको कैसे पता? तेरा बुढ़ा रात भर बड़बड़ाता था, मैंने पीने मुझे अजीत ने पिलाई। उसकी दारू की वजह से उसके साथ हमारे सबका नाम बदनाम हो गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।